अध्यापक ने एक छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं सुनीता शर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें छात्र के होमवर्क न करने पर अध्यापक ने छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी। यह मामला राजस्थान के चूरू जिले के गांव कोलासर का है। यहां छात्र का कसूर केवल इतना था कि उसने होमवर्क नहीं किया था। आपको बता दें, 13 साल का गणेश मॉडर्न पब्लिक स्कूल का 7वीं कक्षा का छात्र था। कोरोना के चलते अभी फिलहाल स्कूल खुले ही थे, जिसमें उसे स्कूल जाए 3 महीने हुए थे। स्कूल में मनोज नाम के अध्यापक ने उसे कई बार पीटा, जिसकी शिकायत गणेश ने अपने पिता को कई बार की थी कि उसका टीचर बेवजह उसके साथ मारपीट करता है। बुधवार को भी गणेश स्कूल गया और होमवर्क न करने पर आरोपी मनोज ने गणेश के साथ बेरहमी से लात घूसों के साथ मारपिटाई की। इस तरह पीटने की वजह से गणेश लहूलुहान हो गया। सुबह करीब 9:15 बजे गणेश के पिता ओम प्रकाश को स्कूल से फोन आया कि गणेश होमवर्क करके नहीं लाया है, इसलिए उसकी पिटाई की गई। इस पर गणेश के पिता तुरंत स्कूल पहुंचे और वहां उनकी पत्नी पहले से ही मौजूद थी। स्कूल के बाकी बच्चे घबराए हुए थे। स्कूल में पढ़ तो मास्टर को मार्ग ने फोन आयो कि तारा बच्चो बेहोश हो गयो। मैं बाद में बेहोश मारो बच्चन में देखियो वो तो मरे डोला दो नाक में खून आ रही हो और 2-3 जगह माथे में चोट आ रही आंखिया बेर बच्चे मन को क्यों क्यों और बच्चों ने अध्यापक मनोज के बारे में गणेश के साथ बेरहमी से मारपीट की बात बताई। घायल गणेश को परिजनों ने सालासर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने गणेश को मृत घोषित कर दिया। SHO संदीप बिश्नोई ने बताया कि मृतक गणेश के पिता ओम प्रकाश ने अध्यापक मनोज कुमार के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया। सालासर पुलिस ने बालक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां 3 डॉक्टरों के द्वारा मृतक छात्र का पोस्टमार्टम कराया गया। इधर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों को स्कूल की मान्यता समाप्त करने के आदेश दिए। आगे जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज चैनल पर। नमस्कार।